आज के गेस्ट हैं गाइस सोलो इग्नासियर, इनका ट्विटर है गाइस और उनका इन गेम नेम है गाइस सोलो इग्ना, जो कि मतलब एक काफ़ी टॉप क्लास, काफ़ी टॉप लैडर प्लेयर है गाइस। उनका पिछला सीज़न उन्होंने गाइस फिनिश किया था 70 टॉप लैडर, पूरा ग्लोबल में 70 फिनिश किया था गाइस उनके जायंट स्पार्की फायरबॉल डेक से गाइस। ये उनका ट्विटर है, अगर आप फॉलो नहीं करते तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दूंगा गाइस, प्लीज़ आप उनको फॉलो कर देना। और गाइस चलिए इसी के साथ वीडियो स्टार्ट करते हैं गाइस। तो चलिए गाइस पहला मैच खेलते हैं मोर्टन के अगेंस्ट गाइस, एसके मोर्टन के अगेंस्ट। यहाँ पे गाइस मोर्टन और इग्ना सारे दोनों ही लीक कर रहे हैं गाइस स्टार्टिंग में। यहाँ पे गाइस मोर्टन ने बार बैरल से स्टार्ट किया है, हमने जैप किया है बार बैरल को। यहाँ पे दोनों ही बहुत पैसिव खेलते हुए, यहाँ पे मोर्टन ने स्टार्ट किया है मदर विच से। यहाँ पे बैटल रैम से ओपोजिट लेन में प्रेशर करने की कोशिश मोर्टन के द्वारा। यहाँ पे नाइक मदर विच से आराम से किल हो जाएगी। यहाँ पे मिनी पेगा खेलेंगे मेरे को लग रहा है। यहाँ पे क्या जाइंट जाएंगे स्पार्की के सामने या फिर मिनी पेगा के सामने जा सकते हैं। यहाँ पे इलेक्ट्रो तो आराम से काउंटर कर लेगा, यहाँ पे फायरबॉल कर सकते हैं इलेक्ट्रो के ऊपर फायरबॉल। यहाँ पे बहुत ही बढ़िया स्पार्की का एक हिट मिल गया वहाँ पे, और यहाँ पे टोर्नेडो किया है सोलो इग्ना ने कैनन कार्ड और बार बैरल को, काफ़ी मतलब हक में गई सोलो इग्ना के वो इंटरेक्शन। यहाँ पे जैप कर सकते हैं बैंडिट को, और उन्होंने किया भी जैप। यहाँ पे मिनी पेका काफ़ी अच्छा, मतलब मोर्टन ने सोचा कि वो जैप काफ़ी लेट आया तो मे भी इग्ना एलिक्सर में काफ़ी लो होंगे। वो मोर्टन ने ट्राई किया था वहाँ पे बैटल रैम से प्रेशर करने के लिए, इग्ना के पास एलिक्सर काफ़ी था, भरपूर था वहाँ पे एलिक्सर। यहाँ पे क्या करेंगे, हिट लेंगे, यहाँ पे इलेक्ट्रो देखते हैं, यहाँ पे टोर्नेडो करना पड़ेगा नहीं तो। यहाँ पे तो पूरा टावर दे दिया इग्ना ने, हाँ बहुत ही ख़राब इंटरेक्शन वहाँ पे इग्ना के द्वारा। वो काफ़ी चोक कर गए थे वो सिचुएशन में गाइस। यहाँ पे मोर्टन काफ़ी अच्छे सिचुएशन में है, देखते हैं इग्ना कमबैक कर सकते हैं क्या। यहाँ पे गाइस पार्की बैक में खेला है, वहाँ पे गाइस काफ़ी ज़्यादा मतलब मेरे को नहीं पता क्या हुआ, इतना ज़्यादा टेंस हो गए थे या फिर इतना ज़्यादा नर्वसनेस या फिर क्या पता नहीं। यहाँ पे गाइस मोर्टन 3 क्राउन के लिए ट्राई करते हुए, यहाँ पे हील स्पिरिट भी आएगा मेरे को लग रहा है, फायरबॉल अच्छा। यहाँ पे गाइस इलेक्ट्रो को हील कर दिया, इलेक्ट्रो ने स्पार्की को बहुत बढ़िया से रोक लिया, पर मिनी पेका ने अटैक में जाके गाइस कमाल कर दिया का। यहाँ पे कैनन कार्ड डाउन हो चुका है और अभी तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये पुश तो आराम से मतलब डेड हो चुका है मोर्टन का। यहाँ पे जायंट से ब्लॉक ना, यहाँ पे मे भी मिनी पेका ने बैंडिट को मार दिया वहाँ पे मिनी पेका ने, ओ इतना क्लोज था। यहाँ पे क्या मोर्टन इलेक्ट्रो अलग लेन में काफी कनेक्ट हो चुका है गाइस, काफी बढ़िया कमबैक वहाँ पे इग्ना के द्वारा गाइस। ओके गाइस क्या लाजवाब शुरुआत हुई है, वर्ल्ड के बेस्ट प्लेयर को हरा कर पहला मैच हमने शुरू किया है वीडियो का। और यहाँ पे सीआरएल वेस्ट चैंपियंस IMJP MVP सीआरएल वेस्ट चैंपियंस के MVP IMJP के अगेंस्ट। यहाँ पे IMJP मेगा नाइट जैपीज बलून डेक खेल रहे हैं, यहाँ पे IMJP और सोलो इग्ना का डेक मतलब इतना भी खास नहीं है बलून के अगेंस्ट। यहाँ पे इग्ना ने बहुत ज़्यादा लीक कर दिया वहाँ पे, बहुत बड़ी गलती कर दी वहाँ पे। यहाँ पे JP ने मतलब काफ़ी अच्छी पनिश करने की कोशिश की, यहाँ पे स्पार्की मेगा नाइट को अटैक करेगा
यहाँ पे जैपीज को अटैक करेगा, मेगानाइट आउट ऑफ रेंज है, वो मेगानाइट को हिट नहीं करेगा ऑब्वियसली। यहाँ पे मेगानाइट को किल कर दिया गया। मेरे को लग रहा है कि आई एम जेपी के पास मे बी मैचअप हो सकता है, क्योंकि हमारे पास बैलून के लिए कोई भी काउंटर प्रेजेंट नहीं है हमारे पास बैलून के लिए, क्योंकि हमारे पास सिर्फ एक ही काउंटर है इलेक्ट्रो विजर्ड बैलून के लिए, बस और कुछ नहीं है हमारे पास बैलून को रोकने के लिए। यहाँ पे माइनर से तीन टावर एक्टिवेट करने की कोशिश, यहाँ पे सोलो इग्नर देखते हैं क्या करते हैं। यहाँ पे जाइंट और मिनी पेकस है एग्रेसिव, उनको पता था वो टोर्नेडो यूज करने के बावजूद भी काफ़ी ज़्यादा एलिक्सर लीड में है। यहाँ पे मिनी पेका ने हंटर को एक हिट मारा, लेकिन थोड़ा सा लाइफ बच गया है हंटर का, और हंटर ने दोनों को साफ कर दिया वहाँ पे। यहाँ पे गाइस डिफेंस तो मतलब मेरे को नहीं लग रहा है कि पॉसिबल है, बैलून एक टावर तो ज़रूर ले लेगा। देखते हैं गाइस वो सोलो इग्ना देखते हैं कैसे जीतते हैं। यहाँ पे काफ़ी ख़राब इंटरेक्शन था वहाँ पे, मैकेनाइट ने जंप कर दिया वहाँ पे। यहाँ पे क्या नेडो कर सकते हैं पार्टी, यहाँ पे देखते हैं गाइस तो जेपी ने यहाँ पे गिव अप कर दिया है। हाँ जेपी ने यहाँ पे गिव अप कर दिया है, काफ़ी अच्छा खेले सोलो इग्ना ये मैच भी गाइस, बहुत ही बढ़िया तरीके से जेपी को हराया वहाँ पे, सिर्फ 17 ट्रॉफीज मिले हैं गाइस। अभी जीयूज के अगेंस्ट जो कि मतलब काफ़ी खतरनाक गोलेम बीट डाउन प्लेयर हैं, जो कि लावा यूज कर रहे हैं, लेकिन अभी इग्ना को भी पता है कि अगर वो गोलेम रॉकेट नाइटविच क्लोन यूज कर रहे हैं तो इग्ना मतलब काफ़ी ज़्यादा मुसीबत में वहाँ पे फंस जाएंगे। यहाँ पे तो गाइस मेरे को लग रहा है 100% लावा का मैचअप है, क्योंकि गाइस हमारे पास कोई एयर काउंटर नहीं है, सिर्फ इलेक्ट्रो विजर्ड एक एयर काउंटर जो कि लावा को किल भी नहीं कर सकता, और बैलून मतलब मनचाहे हिट मार सकता है टावर पे, और लावा के साथ तो पूरा टावर ही ले लेगा आराम से। यहाँ पे गाइस मेरे को लग रहा है बेसिकली एक वीक राउंड रेस चल रहा है यहाँ पे। यहाँ पे फायर बॉल करेंगे, ओह नो, यहाँ पे गाइस बैलून को टोर्नेडो करना पड़ेगा मेरे को लग रहा है। ओह मिनी पैक का 1994 कर दिया है वहाँ पे, यहाँ पे टोर्नेडो करना ही पड़ेगा जैप। ओ स्पार्की कुछ नहीं है हैंड में, जीव के हैंड में कुछ नहीं है, स्पार्की एक हिट मार लिया गाइस, और यहाँ पे गाइस इसी के साथ इतना जल्दी 3 crown होने वाला है, इतनी जल्दी 3 crown गाइस। 1:27 बाकी थे और इतनी जल्दी गाइस 3 crown कर लिया वहाँ पे इग्ना ने ज्यूज को गाइस, काफ़ी बढ़िया मैच रहा गाइस। अभी इग्ना खेल रहे हैं केंडामा के अगेंस्ट, जो कि यूज़ कर रहा है गाइस जायंट स्केलेटन, रॉयल जायंट, हंटर और बार बैरल। यहाँ पे बार बैरल से मतलब हील स्पिरिट को वहाँ पे रेस्पॉन्ड किया। यहाँ पे क्या इग्ना जायंट खेलेंगे सामने, नहीं तो इलेक्ट्रो विजर्ड खेला है बैक में से। वहाँ पे मिनी पेक्का ने काफ़ी ज़्यादा वहाँ पे हेल्थ वहाँ पे कम कर दी है जायंट स्केलेटन की। ओ नो, यहाँ पे थोड़ा फंसने वाला सिचुएशन है। यहाँ पे गाइस स्पार्की मतलब पहला फिशरमैन को हिट करेगा, रॉयल जायंट को काफ़ी ज़्यादा डैमेज मिल जाएगा गाइस वहाँ पे। रॉयल जायंट तो आधे से ज़्यादा पूरा टावर खा गया वहाँ पे, 1121 कर दिया गाइस वहाँ पे। इग्ना के लिए बहुत ही हार्ड सिचुएशन है अभी गाइस, केंडामा को तो सिर्फ अभी डिफेंस करना है, और यहाँ पे ये जायंट स्केलेटन गाइस काफ़ी दिक्कत करता है गाइस। आपके मिनी पैक का यहाँ पे स्पार्की को एक भी हिट नहीं मिला वहाँ पे जायंट स्केलेटन के बॉम्ब से, स्पार्की पूरा
मतलब गायब हो गया यार, इतना खतरनाक है जायंट स्केलेटन का बॉम्ब। नर्फ करो भाई जायंट स्केलेटन के बॉम्ब को। तो गाइस देखते हैं यहाँ पे इग्ना क्या करते हैं, रेस्पॉन्ड करना पड़ेगा इग्ना को, डील नहीं कर सकते। यहाँ पे गाइस स्पार्की खेला है इग्ना ने, यहाँ पे केंडामा देखते हैं, मे बी ऑपोजिट लेन रॉयल जायंट जा सकते थे। यहाँ पे हंटर हाई खेला है, यहाँ पे बहुत बड़ी गलती वहाँ पे, और यहाँ पे कमाल का मूव इग्ना के द्वारा, वो जायंट ने जायंट स्केलेटन को पुश कर दिया और काफ़ी बढ़िया है नेडो वहाँ पे गाइस, इग्ना के द्वारा काफ़ी बढ़िया नेडो वहाँ पे, और नेडो के द्वारा गाइस हंटर किल हो गया। और यहाँ पे स्पार्की ने एक हिट से गाइस जैपीज को उड़ा दिया वहाँ पे। यहाँ पे मिनी पेक्का, मिनी पेक्का किल कर सकते हैं और स्पार्की को, ओ स्पार्की को एक हिट मिल गया गाइस, काफ़ी ज़्यादा बहुत ही बढ़िया, मतलब स्पार्की एक HP लाइफ से गाइस वहाँ पे हिट कर दे। और यहाँ पे गाइस वर्ल्ड क्लास इंटरेक्शन गाइस वहाँ पे, वो मतलब जायंट ज़्यादा जल्दी नहीं खेलना चाहते थे गाइस, वो मतलब चाहते थे कि जायंट वो लेट खेले, इसलिए हील स्पीड से डिस्ट्रैक्ट किया, ना कि जायंट से। अगर कोई भी प्लेयर होता तो जायंट से डिस्ट्रैक्ट करता मेरे हिसाब से, वो हील स्पीड से डिस्ट्रैक्ट नहीं करता। वहाँ पे जैप कर सकते हैं, काफ़ी बढ़िया जैप फिशरमैन पे, वहाँ पे सिर्फ दो फायरबॉल साइकिल लगेगी अभी, और यहाँ पे फायरबॉल साइकिल शुरू हो चुका है। यहाँ पे नेडो कर सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा एक्स्ट्रा डैमेज मिल जाएगा वहाँ पे। यहाँ पे नेडो ओवरवेल जैंट के साथ ही नेडो किया है वहाँ पे, फायरबॉल के साथ गेम ओवर कर दिया है इग्ना ने केंडामा का, काफ़ी इम्प्रेसिव, बहुत ही बढ़िया खेला वहाँ पे, बहुत ज़्यादा डैमेज ले लिया था पहले ही, पर फिर भी गाइस बहुत ही बढ़िया कमबैक वहाँ पे इग्ना के द्वारा। मोस्ट कंसिस्टेंट लैडर प्लेयर गाइस, वन ऑफ द मोस्ट कंसिस्टेंट लैडर प्लेयर लूकस, मोस्ट बेस्ट हॉग साइकिल प्लेयर, सेकंड बेस्ट रॉयल जायंट साइकिल प्लेयर गाइस, पिछले सीजन गाइस लूकस ने फिनिश किया था नंबर 2 पोजीशन पे, सेकंड पोजीशन पे लूकस ने फिनिश किया था गाइस, और वो भी रॉयल जायंट साइकिल से। और अभी लूकस उनका वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट डेक्स खेल रहे हैं, माइनर वॉल ब्रेकर्स, जो कि साइकिल डेक्स में काफ़ी उस्ताद है ल्यूकस। यहाँ पे देखते हैं गाइस इग्ना मतलब कुछ कर सकते हैं क्या। यहाँ पे मैं बोलूँगा कि मैं नहीं बोल सकता कि किसका मैचअप है, पर हील स्पिरिट आजकल मतलब बैट्स को नहीं किल कर रहा है और स्केलेटन्स को भी नहीं किल कर रहा है, तो हील स्पिरिट को काफ़ी मतलब वीक है गाइस, तो वो हील स्पिरिट की इंटरेक्शन दिक्कत कर सकती है इग्ना को, और बाकी सब तो मतलब जो भी है वो सेम रहेगा इंटरेक्शंस, लेकिन हील स्पिरिट गाइस बैट्स को किल नहीं करता है बिल्कुल भी, वो मतलब सबसे बड़ी दिक्कत होगी इग्ना के लिए। और स्पीयर गब्लिंस को तो ऐसे भी किल नहीं करता है हील स्पिरिट, लेकिन पहले मतलब हील स्पिरिट मतलब बैट्स को किल करता था, अभी लेकिन बैट्स को बिल्कुल भी किल नहीं करता है, वो मतलब थोड़ी दिक्कत हो जाएगी। यहाँ पे क्या जैप करेंगे, यहाँ पे स्पार्की एक हिट मार सकता है, तो लूकस को वहाँ पे नाइट खेलना पड़ा, यहाँ पे इलेक्ट्रो विजर्ड्स खेलेंगे इग्ना, यहाँ पे डिफेंसिव लॉग से हो जाएगा लूकस आराम से डिफेंस, वहाँ पे एक भी हिट नहीं इलेक्ट्रो को, वहाँ पे वाव 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 कर रहे हैं इग्ना, पता नहीं क्यों वाव वाव कर रहे हैं इतना। वहाँ पे क्या खेलेंगे, जायंट खेला है बैक में से, मे बी लूकस नेक्स्ट, मतलब यहाँ पे फायरबॉल वैल्यू बहुत बढ़िया, यहाँ पे कोई हड़बड़ी नहीं इग्ना के द्वारा, आराम से एक बड़ा पुश बना रहे हैं, मिनी पेका खेला है बैक में से, देखते हैं स्पार्की कहाँ पे खेलते हैं, तो काफ़ी बढ़िया जैप वैल्यू मिलेगी लगता है। ओ नो, यहाँ पे पुश डेड हो चुका है इग्ना का, यहाँ पे इग्ना पुश नहीं कर रहे थे ऑब्वियसली, देखिए माइनर से एक्टिवेट कर सकते थे, तो स्पार्की के अलावा बैक में से फायरबॉल यूज हो चुका था, यहाँ पे जायंट से ब्लॉक डेफिनेटली स्पीयर गॉब्लिंस को। तो गाइस देखते हैं गाइस, मेरे को तो बहुत ही ट्रिकी लग रहा है, मतलब कैसे
वैसे मतलब कर सकते हैं वहाँ पे कुछ कम बैक। यहाँ पे जाइंट साइकिल क्या है, बॉम्ब टावर उड़ा दिया गया है। बॉम्ब टावर हैंड में नहीं है, जाइंट सीधा मुंह पे जाएंगे, ऑब्वियस सी बात है। टावर हैंड में नहीं है तो जाइंट ऑब्वियसली मुंह पे जाएंगे। यहाँ पे नो टोर्नेडो जैप, मिनी पे का एक हिट से मार लेगा, बॉम्ब टावर उड़ा देगा। ओ यहाँ पे लूकस को फंसा दिया है इग्ना ने, बहुत ही बढ़िया फंसाया वहाँ पे इग्ना ने, बहुत ही अच्छा कमबैक किया वहाँ पे इग्ना ने गाइस, लूकस को हरा कर गाइस। तो यहाँ पे हम खेल रहे हैं बेंजर रिडल के अगेंस्ट, जो कि एक सीआरएल ईस्ट, जो कि एक सीआरएल ईस्ट प्रो हैं, और उनका स्टैट्स गाइस काफ़ी बढ़िया है। यहाँ पे इग्ना मेरे को लग रहा है कि टोर्नेडो से किंग टावर एक्टिवेट करना चाहिए था वहाँ पे इग्ना को, उन्होंने वहाँ पे किंग टावर मतलब एक्टिवेट नहीं किया। इसके अलावा उन्होंने मिनी पेका खेला, पता नहीं उनका मूव सही था या नहीं था, कोई बात नहीं। लेकिन वो मतलब नेक्स्ट राउंड में जब हॉग आएगा अटैक के लिए तभी भी वो नेडो से किंग टावर एक्टिवेट कर सकते हैं। तो बेंजर रिडल गाइस बॉम्ब टावर की जगह इन्फेर्नो टावर खेल रहे हैं। देखते हैं फायरबॉल से इन्फेर्नो टावर डेड हो चुका है। वहाँ पे सैप करेंगे, नहीं पैसिव खेला है वहाँ पे एक हिट फिर भी ले ली वहाँ पे हॉग राइडर डेफिनेटली नहीं जा सकते। वो स्पार्की ने वन हिट से नाइट को किल कर दिया और प्रिंसेस टावर की मदद से वहाँ पे आराम से हो गया किल। यहाँ पे मैं भी मिनी पैक का जाइंट से अपोजिट लेन में मैं भी खेल सकते थे, क्योंकि मेरे को लग रहा है हाँ इग्ना को पता नहीं था कि इग्ना को डेफिनेटली नहीं पता था कि ओपोनेंट के पास रॉयल डिलीवरी है, जो कि मतलब आराम से मतलब उसको शट डाउन कर देता है, नहीं तो डेफिनेटली इग्ना वहाँ पे सेम लेन में पुश नहीं करते। और बेंजर रिडल ने तब तक रॉयल डिलीवरी शो नहीं किया था ऑब्वियसली, उसी लिए इग्ना ने वहाँ पे सेम लेन पुश किया। अभी मतलब रॉयल डिलीवरी दिखा दिया है ओपोनेंट, तो अभी इग्ना कोशिश करेंगे कि मतलब सेम लेन में पुश ना करें, क्योंकि रॉयल डिलीवरी को बहुत ज़्यादा वैल्यू मिल जाएगी अगर सेम लेन में पुश किया तो। वहाँ पे इग्ना ने यहाँ पे इग्ना ट्राई करेंगे कि आइदर डबल लेन प्रेशर क्रिएट करें या फिर सेम लेन में मतलब ज़्यादा से ज़्यादा ट्रूप्स स्पैम ना करें। यहाँ पे मेरे को लग रहा है कि जायंट साइकिल सही रहता है, मतलब पार्की साइकिल किया है वो भी सही है। यहाँ पे गाइस पार्की पहले डिफेंस के लिए खेला है, वहाँ पे बेंजर रिडल मतलब आराम से पीछे बैठ कर ईक्यू साइकिल किए जा रहा है। यहाँ पे क्या ट्रिकी हिल स्प्रिट आएगा, फायर बॉल क्या है, अच्छे इंटरेस्टिंग। यहाँ पे जैंट सैक्रीफाइस किया है, यहाँ पे ईक्यू साइकिल करेगा मेरे को लग रहा है बेंजर रिडल। यहाँ पे देखते हैं गाइस क्या होता है, कैसे जीत सकता है सोलो इग्ना बेंजर के अगेंस्ट। यहाँ पे फिर वही गलती कर रहे हैं इग्ना, मेरे को लग रहा है सेम लेन पुश करके फिर वही गलती कर रहे हैं इग्ना बार बार, मेरे को ऐसा क्यों लग रहा है। और हिल स्पिरिट मतलब हिल स्पिरिट, ओ क्या टोर्नेडो था, एक टोर्नेडो ने गेम चेंज कर दिया, वाव गाइज। आपने वो टोर्नेडो नहीं देखा तो जाओ दोबारा देख के आओ वो टोर्नेडो, वाव गेम चेंजर टोर्नेडो था गाइज वो वाला, गाइज जाओ आप फिर से देखो गाइज वो टोर्नेडो, गाइज गेम चेंजर टोर्नेडो था वो, क्या टोर्नेडो किया था वहाँ पे इतना ने, वाव मतलब मज़ा आ गया गाइज, मज़ा आ गया पूरा मज़ा आ गया वो टोर्नेडो से, मतलब एक टोर्नेडो ने वहाँ पे एक आती हिट अलाउ कर दिया और वहाँ पे गाइस इग्ना ने क्या कमाल का खेला गाइस। गाइस आपने अगर इग्ना को अभी तक फॉलो नहीं किया ट्विटर पे, प्लीज़ गाइस इग्ना को आप फॉलो कर देना ट्विटर पे। और इसी के साथ मैं गाइस वीडियो को एंड करता हूँ गाइस, तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक कर देना और शेयर करना गाइस हो सके तो अपने दोस्तों के साथ। इसी के साथ बाय गाइस, दूसरी वीडियो में मिलते हैं जल्दी। ओके बाय बाय।